जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट सैयद अली आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जी आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि उस्ताद बशीर भोला भाला पहलवान साहब के अखाड़े पे जो डंबल्स पड़े हैं और जो गर्दन में पहनने वाला कड़ा पड़ा है वो कितने वेट का है, कहाँ से मिलता है और कितने पैसों का है। तो आज की इस वीडियो में हम वो चीज़ कवर करेंगे। तो ये जो डंबल्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो एक जोड़ी जो डंबलों की है वो 20-20 किलो की है, जो आप ये वीडियो में देख रहे हैं तकरीबन 40 किलो की ये जोड़ी बनती है। और दूसरे जो डंबल्स हैं वो 13-13 किलो के हैं, 26 किलो की जोड़ी है। और जो कड़ा है वो 60 किलो का है, जो कि गर्दन में पहना जाता है। बहुत मुश्किल होती है आम बंदों को पहनने के लिए, लेकिन पहलवान आसानी से वो पहनते हैं ताकि जो कुंडे का दावा है उससे बचाव किया जाए। और ये कसी है, ये कई मुख्तलिफ किस्म की हैं, यानी कि हैवी जो यहाँ पे 20 किलो की भी है, 18 किलो की भी है, 15 किलो की भी है। असल में ये जो चीज़ें हैं ना, ये देसी, ये आम नहीं मिलती, ये बनवानी पड़ती हैं। ठीक। आम जो कहीं मिलती हैं ना, ये छोटी मिलती हैं खेती बाड़ी, ये बड़ी कहीं आर्डर दे के बनवाना पड़ता। ठीक ठीक। तो जो ऐसे जो डंबल है ना, ये वाले आर्डर दे के बनवाए हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो आम डंबल फैंसी मिल जाते हैं और ये, लेकिन खाड़ों में आपको पता जिस तरह के ये आया, इससे बड़े जो है वो आर्डर देना पड़ता है। ये जो कड़ा है ये तो मिलता ही नहीं ना। अच्छा। ये तो स्पेशल किसी को दिखाना पड़ता है, जिन्होंने पट्टियां वगैरह, जिनका लोहे का काम है, तो वो फिर उनको वजन के हिसाब से बनवा लेते हैं हम। यानी कि जो वक्त का लोहे का रेट हो उनको हम बातचीत तय कर लेते हैं उसके वजन के हिसाब से, और वो अपनी मजदूरी लेते हैं जो उन्होंने बनवाना होता है, फिर उस हिसाब से बना दे। ये कड़ा ये मेरे ख्याल में 65 किलो का होगा। अच्छा। और आप लगा लें मेरे ख्याल में 250 रुपये किलो इसके आस पास, ऊपर नीचे आ लोया, तो अब उस हिसाब से आप लगा लें 60-65 किलो के कितने पैसे बन। जो लोहे का काम करते हैं लोहार वगैरह वही ये चीज़ें बनाते हैं। ये 25,000 रुपये का बन जाएगा मेरे ख्याल में, अगर आप ऑर्डर दे के बनवाएं। सही सही सही। 20 से 25 के बीच। तो आगे आप देखेंगे। तो खेल लेता हर कोई ये, कई तो आपने पहले भी वीडियो बनानी होंगी जैसे पहलवान चलाते हैं। सही ये सही। कड़ा डाल के लोग ये पहलवान पैदल फिरते भी हैं और इसे डाल के बैठ के भी लगाते हैं। ठीक ठीक। और इसे डाल के डंड भी लगाते हैं। सही है। ताकि तो मजबूत हो गर्दन। ठीक है।